हमारी गुलाब हो और हरमन जी हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। गुलाब, अगर तुम ऐसे रहोगे तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। जिन लोगों के पास तुझे देने के लिए आशीर्वाद तक नहीं है, उनके पैर ना छू। मेरे तो जीने की वजह ही हीर है, वादा करती हूँ तुझसे अपनी पूरी जिंदगी हीर के नाम कर दूंगी। मैं वादा करती हूँ कि मेरे जीते जी हीर पर कभी कोई आंच नहीं आएगी। से आज एक और वादा कीजिए मुन्नी जी, हीर के साथ साथ आप रोहन और सोहन की परवरिश भी बिल्कुल वैसी ही करेंगे। रोहन को उसके घर वालों की कमी कभी महसूस ना हो, उसे आप नानी का प्यार देंगी और सोहन को कभी महसूस नहीं होने देंगी कि वो छोटी है और वरुण का बेटा है। उसकी परवरिश आप बिल्कुल वैसे करेंगी जैसे वो सौम्य और हरमन जी का बेटा। मैं वादा करती हूँ ये तीनों इस घर के बच्चे हैं, उन्हें वैसे ही परवरिश दूंगी जैसे तू चाहती है। हमेशा खुश रहे। फिर से सोच लो गुलाबो, नौकरी करना जरूरी है, मुझसे भी ज्यादा जरूरी। तू ही मेरा होगा। जाने वाले को इस तरह रोते हुए बाय थोड़ी ना बोलते हैं। चलो स्माइल करो। तू ही मेरा होगा। तू ही मेरी दुआ। तू ही मेरा खुदा। तू ही मेरी दुआ। तू ही मेरा खुदा। तू ही मेरी दुआ।
अमृतसर एयरपोर्ट ले जाओ, संभल कर। तेरी गुलाबो अपने पैरों पर खड़ी होने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए कितने त्याग कर रही है। तुझे भी पढ़ लिख कर बड़ा बनना होगा हमारे लिए, तभी तो उसे आकर खुशी होगी। मामी जी दसो। हाय बेचारा, कितना हारा हुआ इंसान है ना तू वरुण। देखना तेरे बेटे को सौम्या ने तेरे खिलाफ ऐसे तैयार किया है कि तेरे मरने के बाद तेरी चिता को आग देने के लिए नहीं आएगा वो। क्या बकवास कर रही है मामी जी। देखना सौम्या अभी अभी चली गई, लेकिन जाते जाते अपने लिए आशीर्वाद ले गई और तेरे लिए श्राप छोड़ गई। अब तक तो कुछ नहीं कर पाया तो अब आगे तो क्या कर लेगा। आप बस मुझे इतना बताइए कि कहाँ गई है सौम्या। एक बात कहूँ मम्मी जी, काम करना ही था तो पूरा करती, अधूरा क्यों किया। एक किन्नर को निकाल दिया और दूसरी को रख लिया। क्यों? ताकि सौम्या का जो अंजाम हुआ है वही अंजाम हीर का और आप अपनी आंखों से देख सको। आपको क्या लगता है कि पापा जी हीर को अपनी आंखों के सामने पलता बढ़ता देखेंगे तो खुश होंगे। सुनिए, ये जिससे हमारे बेटे का हमने ब्याह करवाया था, इसका कहना है कि हीर को इस घर से चले जाना चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? बहू रानी कितने जाएगी, बच्ची ही छोटी साड़ी पोती ही हो, साड़े दोनों के कलेजे का टुकड़ा गया। मेरा सोच यार, हमारी हीर बाहर जाएगी, चचाई सामने आएगी, जो मैं नहीं चाहता। क्या हो गया आपको पापा जी? आप तो हीर से इतनी नफरत करते थे कि उसे जान से मारना चाहते थे, फिर अचानक क्या हो गया आपको? मैं तकड़ी में तोड़ लिया मैंने, मैं हीर की नफरत और प्रीत का प्यार। नफरत की उसके सामने कोई औकात नहीं होती है, इसकी उस हीर के अंदर जान बसती है। बस इन्नी जी गल तू समझ जा, अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरों से जी के देख मजा आएगा तेनों। तेरा और हीर का रिश्ता चाहे जैसा भी हो लेकिन उसका असर हीर पर नहीं पड़ना चाहिए। चलक मुस्कुरा। अरे मुस्कुरा दे और हमेशा मुस्कुराती ही रहे, खुशी में गम में और चलन में भी, समझी? प्रीता जी चलो जाकर देख तेरी प्यारी सी सासू माँ को कौन याद कर रही है इतनी बुरी तरह। जा जा।
एक बात, इस कमरे से जैसे ही तू बाहर निकली एक नई माई नजर आनी चाहिए, हंसती मुस्कुराती खुश और सुंदर, जो तू हमेशा से। चल चल। अरे आप सब तैयार नहीं हुए? मैंने बंसी को भेजा था न्योता देने के लिए। खैर कोई बात नहीं, मेरी बेटी पम्मी का संगीत शुरू होने वाला है और अब सब लेडीज को आना है। संगीत मतलब वहाँ गाना होगा, डांस भी होगा और आज तो गुलाबों के लिए खुशी का दिन भी है। मैं भी नाचूंगी, मैं अभी तैयार हो गई। सब लोग जल्दी से तैयार होके आ जाइए, ठीक है? मैं चलती हूँ। प्रीत एनु रोक ले, शादी संगीत पंगीत जो भी प्रोग्राम होते हैं ये किन्नों के लिए नहीं होता। बिल्कुल नहीं जाएगी, है मैं ही अपनी ही नहीं जाएगी। प्रीतो बताओ ना मैं कौन सा कपड़ा पहनूं? कोई भी तैयार नहीं हुआ, जल्दी चलो ना वरना संगीत शुरू हो जाएगा। तू संगीत में नहीं जा रही, हम में से कोई भी नहीं जा रहा। क्यों प्रीतो, क्यों नहीं जाएंगे? अभी अभी गुलाब हो गई है तो ऐसे हम जाके नाचेंगे गाएंगे अच्छा लगेगा क्या? ओफो प्रीतो तुम भी ना कितनी अजीब हो, अभी बोल रही थी कि गुलाबों के लिए खुशी का दिन है और अब बोल रही हो कि संगीत में नहीं जाना है। नहीं नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल प्रीत बिल्कुल ठीक बोल रही है, वैसे भी गुलाबों गई है ना तो हम ज्यादा खुश नहीं है, इमोशनल हो गए हैं, इस करके सारे डिसाइड किया है कि हम जो है संगीत में नहीं जाएंगे आज के दिन। तो मुझे जाना है। जब बड़े कुछ बोलते हो उसकी बात मान लिया करते हैं, है? तू अच्छा बच्चा है ना। पर मैं जाऊंगी दादू संगीत में। क्या नहीं समझ आती तेरे तेरे पढ़ाई वैसे, हम कह रहे नहीं जाना तो नहीं जाना, नहीं जाएगी थप्पड़ मारेंगे तेरे। रोन दे थोड़ी देर, कुछ नहीं होगा, आज रोएगी कल इसके लिए अच्छा होगा, रोन दे। तो तुम्हारी गुलाबो हूँ ना हरमन सिंह थोड़ी ना, मैं तो तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकती हूँ। अभी गुलाबो को फोन करके कहती कि नौकरी पे मत जाओ, वो नहीं रहती है तो सब मुझे डांटते। मोबाइल भी ऑफ आ रहा है, सब मुझे डांट भी रहा, कैसे काम उसे कि मुझे संगीत में जाना। हीर किसी को पूछने की क्या जरूरत है, संगीत में जाना है ना, चली जा। पर कैसे चलूं दादी, नीचे तो प्रीत और भड़क सिंह खड़े। एक काम करते हैं, मैं तुझे छुपते छुपाते नीचे तक ले जाती हूँ, फिर बाहर पहुंचा दूंगी और वहां से तू भाग जा। सच्ची शन्नू दादी? मुझे पता है हीर, ये शादी ब्याह संगीत
इन सब जगहों पर ना लड़कियों को हमेशा जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी सब जगहों पर लड़कियों को अपना राजकुमार मिलता है। क्या पता कहीं तुझे तेरा राजकुमार वहीं मिल जाए। राजकुमार? पता है मेरी शैनो दादी कहती है कैसे शादी में है ना लड़कियों को अपना राजकुमार मिल जाता है। दादू दादू हीर का है? वो कमरे में तो नहीं है। हीर कमरे में नहीं है? कितने चली गई? ये लड़की शादी संगीत में डांस करने का मौका छोड़ दे, ऐसा हो सकता है क्या? प्रीत यहाँ जल्दी जल्दी जाके लाइए, जल्दी जाके ला।